ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ऑटोकैड यूज करके हम ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमारे इस एंटायर कोर्स में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कि कैसे हम ऑटोकैड एज ए टूल यूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए, व्यूज बनाने के लिए। ठीक है, ये कोर्स में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे ऑर्थोग्राफिक व्यूज कैसे निकाला जाता है, उसका क्या कंसेप्ट है, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके हम सीधा आ जाते हैं, टाइम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये मान के चलो कि हम हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है और बोला गया कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और लेट से हमारे हमने इसका एक रफ स्केच बना दिया, रफ स्केच बना दिया, और ये रफ स्केच को फिर तो हम लोग कैसे ऑटोकैड यूज करके बना सकते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, तो लेट से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट फ्रंट व्यू है, लेट से मैं इस पर फोकस करता हूँ, ये मेरा फ्रंट व्यू है। ठीक है, राइट, और जो भी डायमेंशंस मुझे चाहिए रहेगा रिक्वायर्ड, मैं ये आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे मैं उसको रेफर करूंगा। ठीक है, तो मुझे भी क्या करना है, सबसे पहले मुझको ये फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि जब भी मैं कोई ये स्टार्ट करूंगा, कुछ बेसिक सेटिंग्स मुझे करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यूनिट्स में जाऊंगा, यूनिट्स जाके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिलीमीटर होना चाहिए जो ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पे प्रिसीशन जो है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, और यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट क्या रहेगा, सेटिंग्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद पीछे का जो ग्रिड है मैं उसको मैं बंद कर दूंगा, मैं इसके लिए क्या F7 प्रेस करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में मुझे ड्राफ्टिंग सेटिंग चेक करना पड़ेगा, DS एंटर, और वहां पे जाके जो मेरा थर्ड टैब है, इस ऑब्जेक्ट स्नैप, इसमें देखना पड़ेगा कि हर एक जो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स है वो क्या होना चाहिए, टिक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ टिक्ट है ऑलरेडी। ओके, एंड फोर्थ होगा कि मेरा ऑर्थो ऑन होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, F8 प्रेस करूंगा, तो ऑर्थो ऑन हो गया। ठीक है, ऑर्थो ऑन हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे फ्रंट व्यू है, राइट। तो जब भी मेरे पास कोई व्यू आएगा, मैं उस व्यू को क्या करूंगा, व्यू को मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल सोचूंगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये नीचे का बेस बनाऊंगा, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से 15, फिर यहाँ से 100, 100 से 15, और ये रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नीचे का रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो रेक्टेंगल के लिए कमांड क्या है, RECT, रेक्टेंगल। ठीक है, कितना है ये, 100 बाय 15, राइट, 100 बाय 15। पहले बना लो उसको, फिर इसको जूम करो, जूम करके उसको सेंटर पे लाओ ताकि हमें मालूम पड़े कि ये एक्चुअल में स्क्रीन पे फिट होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ अभी ये बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखा है यहाँ पे छोटा सा एक स्लॉट है, राइट, 16 बाय 5 का स्लॉट है, उसको भी मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, 16 बाय 5 का एक स्लॉट। ठीक है, राइट, अब तुम ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो रेक्टेंगल है मैं किधर भी बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मुझको एग्जैक्टली इधर ही बनाना है, मैं किधर ही बनाऊंगा, बनाने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, मूव करूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद M एंटर, ये है मेरा बेस पॉइंट, और ये बेस पॉइंट देखो जैसे मेरा ऑर्थो ऑन है, इसलिए देखो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो पा रहा है, इट विल मूव आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन मैं फोर्सफुली मेरा कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा और इस कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फोर्सफुली क्लिक कर दूंगा उसको, राइट। अब मुझे मालूम है कि इसका जो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20। ये 20 मुझे कहां से मिला, ये मुझे आइसोमेट्रिक व्यू से मिला। देखो यहां से ये कितना है, 15, फिर यहां से आगे 5, तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मूव M एंटर, ये मेरा बेस पॉइंट, फिर आगे की तरफ मेरे को माउस को थोड़ा सा मूव करना है, और मैं बोलूंगा 20 एंटर, मूव हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रिम करूंगा, TR 2 टाइम्स एंटर, और इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, ट्रिम कर दूंगा, राइट। तो अब मेरा ये बेस पॉइंट बन गया, राइट, ये बेस बन गया। उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, यहां से ये कितने कितना ऊपर पर है, जो चेक करो, डायमेंशन चेक करो कि अगर मैं डायमेंशन चेक करूँ तो मालूम पड़ेगा यहाँ से यहाँ पे कितना, 25, यहाँ पे 25 दिया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 24, तो कितना हो जाएगा, 49।
49। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिर से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा कितना 15 बाई 49 का, ठीक है। और फिर इसको मैं मूव करूंगा यहां से लेके इधर मूव करूंगा। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ फिर इसको मूव कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बना रहा हूँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है राइट। इसको मूव करूंगा, उसके बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन है, ठीक। क्या देखा मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन, सेंटर लाइन कहां पर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 25, यहाँ पे दिया 25, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो शायद इधर ही मालूम पड़ जाएगा, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है 25, इधर भी 25, ठीक है राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन क्या है एक्चुअली सेंटर लाइन है, ये क्या है सेंटर लाइन, यहां से यहां तक कितना 15। कैसे करूंगा, मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा स्केप, फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव करूंगा यहां से ऊपर की तरफ बाय 25, तो 25 यहाँ पे टाइप करो और एंटर मारो तो वो वहां पे चला जाएगा राइट, ये एक बार राइट। तो यहां से वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ 25। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना एक लाइन है, एक ऊपर लाइन है एक नीचे लाइन है, हिडन लाइन राइट। वो हिडन लाइन क्या है, वो हिडन लाइन है मेरा ये सर्कुलर स्लॉट, ये सर्कुलर स्लॉट। अभी हमको मालूम है कि जब भी कोई सर्कुलर स्लॉट होता है तो एक व्यू से हमें सर्कल नजर आएगा, बाकी दो व्यू से रेक्टेंगल नजर आएगा राइट। वो तो हमारा ऑर्थोग्राफी का कंसेप्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा सर्कुलर स्लॉट है, जब मैं उसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो मुझे कैसे नजर आएगा, रेक्टेंगल नजर आएगा। और उसका डायमेंशन कितना होगा, 15 बाई 27, 15 बाई 27। तो भले यहाँ पे देखो, भले यहाँ पे लाइन नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसको क्या बनाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा ऑफ डायमेंशन, तो RECT, रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 15 बाय 27। मूव करूंगा कैसे, इसका वो मिड पॉइंट जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा राइट। अभी इसको हिडन कैसे करना है, उसको सेंट्रल लाइन कैसे करना, हम उसको बाद में देखेंगे ओके। उसके बाद देखो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरा यहाँ पे डायग्राम जो भी मैं बना रहा हूँ ना, उसको मैं वो जो 6 कमांड, मैक्सिमम 6 कमांड यूज करूंगा। भले मैंने इनिशियली कुछ एक्स्ट्रा तुमको सिखा दिया होगा, लेकिन 6 कमांड ही मैं बेसिकली यूज करने वाला हूँ। एक तो लाइन, उसके बाद फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर कॉपी, मूव एंड ट्रिम। ये 6 कमांड, कौन सा, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, कॉपी, मूव, ट्रिम। ये 6 कमांड में ही मेरा ऑलमोस्ट 99% मेरा जो डायग्राम है वो बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने तुम लोग को पहले पहले बताया था कि मिरर करना, या फिर शायद से रोटेट करना भी बताया होगा, रोटेट या फिर ऑफसेट, ये बहुत रेयर यूज होगा, बहुत रेयर यूज होगा, मतलब यूज ना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 6 के ऊपर फोकस करना, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, कॉपी, मूव एंड ट्रिम, ठीक है ओके। तो अब यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ राइट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मुझे डायग्राम दिख रहा है कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल राइट। ये रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है, यहाँ से 25, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, 24 प्लस 24 48। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, RECT, रेक्टेंगल 48 बाय 25 राइट। मूव, ये कॉर्नर इसके साथ मैच हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, ये सर्कल बनाऊंगा, सी एंटर्स, मिड पॉइंट से लेके यहाँ पे एक सर्कल, ट्रिम, फिर मैं इसको उड़ा दूंगा और इसको उड़ा दूंगा राइट, डन। उसके बाद बीच में एक और सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 24, तो मैं फिर सर्कल में जा रहा हूँ फिर से, और फिर यहाँ पे देखो सेंटर बताएगा, राइट क्लिक, डायमीटर कितना 24 ओके। उसके बाद ये सेंटर लाइन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमको मालूम है ये सेंटर लाइन है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा इसी लाइन को आगे की तरफ ओके। तो रूल हमारा क्या है कि जब भी कोई यहाँ पे सर्कल नजर आए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो सेंटर लाइन दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सेंटर लाइन दिखा दूंगा, मैं ये एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, जस्ट सेकंड, यहाँ से ऊपर, कोशिश करो कि हमेशा एक ही लाइन ही तुम बनाओ, ठीक है, एक ही लाइन बनाओ चलेगा राइट। बाकी जो भी सेटिंग्स है हम उसको बाद में देखेंगे ओके। उसके बाद तो ये मेरा बन गया, यहाँ मेरा बन गया ओके। उसके बाद फिर क्या है, तुमको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, हिडन लाइन। ये एक्चुअली क्या है, ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो मेरा सर्कुलर स्लॉट है राइट, जिसका डायमीटर कितना 24, तो ये मुझे कैसे नजर आएगा 24 बाई 15।
तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक फॉर टाइम बिंग अगर मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगेन फिर से मैं रेक्टेंगल कर रहा हूँ। रेक्टेंगल डायमेंशन ये कितना रहेगा, 24 बाय 15, राइट। मूव करो उसको, मूव मतलब क्या होगा, इसका सेंटर और यहाँ पे सेंटर मैच हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा ये बनने को आ गया है, राइट, ऑलमोस्ट बन गया है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो सेंटर लाइन है उसको सेंटर लाइन दिखाना पड़ेगा, और जो हिडन है मुझे उसको हिडन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन टाइप को लोड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज आप लाइन टाइप में जाओ, लाइन टाइप में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लाइन है, लेयर, ब्लॉक और कंटिन्यूस। तो मुझे यहाँ पे लोड करना पड़ेगा क्या, सी फॉर सेंटर, सी टू, ओके लोड करो। फिर से लोड करो कौन सा, हिडन टू, एच हिडन टू, ओके। एंड इसको क्या बोलो, ओके बोल दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर लाइन दूंगा। तो इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल वन दबाओ, तो ये पूरा उसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। तो यहां पे जाके लाइन टाइप में जाके उसको क्या करो, सेंटर टू बना लो, ठीक है। और बाहर फिर क्या करो, एस्केप करो, ठीक है। लाइकवाइज अब मुझे क्या करना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ा है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे इस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे पॉली लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल को वो क्या दिखाएगा, पॉली लाइन दिखाएगा। तो रेक्टेंगल के बारे में यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे लाइन टाइप में जाऊंगा और इसको कर दूंगा हिडन, एंड देन इसको क्लोज, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैच प्रॉपर्टी यूज करूंगा, MATCH मैच प्रॉप। ये हिडन जो है इसको दे दो इसके, फिर से मैच प्रॉपर्टी जाओ, ये जो सेंटर लाइन है इसको दे दो और इसको दे दो। अब जो पहला एक डिफिकल्टी जो फेस करोगे वो ये है कि भले मैंने ये लाइन जो है ना इसको मैंने क्या दिया है, यहाँ पे सेंटर लाइन दिया है, लेकिन मुझे दिख क्या रहा है, वो मुझे एक लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल वन प्रेस करो, तुमको मालूम पड़ेगा, देखो लाइन टाइप लिखा है, लाइन टाइप ऑलरेडी क्या है, सेंटर ही है वो, तुम क्या चेंज करोगे, ठीक है, सेंटर ही है वो। एस्केप करो, सिलेक्ट करो, देखो वहां पे क्या बताएगा, सेंटर टू बताएगा, राइट। अब ये लेकिन भले वो सेंटर लाइन है लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है हमको, लेकिन जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पहले तुम उसको सिलेक्ट करो, करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है लाइन टाइप स्केल, ये जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट वन रहता है, तो शुरू कैसे करोगे, 0.5 से शुरू करो, एंटर करो। तुमने जैसे 0.5 से एंटर किया तो तुमको मालूम पड़ रहा है कि भाई कुछ तो चेंज नजर आया है, राइट। अभी तुम अगर देख पाओगे तो कोई भी बोल देगा कि भाई ये क्या है, ये एक सेंटर लाइन है, ठीक है। देन कंट्रोल वन दबाओ तो ये फिर से उड़ जाएगा, राइट। तो अभी हमारा जो फ्रंट व्यू है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, डायमेंशन हम उसको बाद में देखेंगे, डायमेंशन को, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि फ्रंट व्यू के नीचे एग्जैक्टली क्या होगा, टॉप व्यू होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, ये टॉप व्यू को पहले बना लेंगे। देखो ऑटोकैड का यही एक पावरफुल टूल क्यों बन जाता है ऑटोकैड, क्योंकि हम लोग ना डायग्राम किधर ही बना सकते हैं, कि ये हमारा जो कन्वेंशनल है वैसे अप्रोच फॉलो नहीं करना है हमको, कि ना एग्जैक्टली उसको प्रोजेक्शन लाइंस बनाओ फिर यहाँ पे बनाओ, नहीं वैसे फॉलो नहीं करना है हमको, ठीक है, उसको ऐसे फॉलो नहीं करेंगे हम, ओके राइट। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे भी क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है मुझको, बड़ा रेक्टेंगल। तो क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाऊंगा तो मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल ही सोचूंगा, तो मैं एक बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका डायमेंशन क्या रहेगा, 100 बाय, ये कितना है भाई, ये डिस्टेंस कितना है, चेक करो यहाँ पे, दिस विल बी 64। तो मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो क्या रहेगा, 100 बाय 64, 64 रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका डायमेंशन कितना होगा, 100 बाय 64, ठीक है, नीचे बना दो उसको। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा रूल क्या है, हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का रूल क्या है, कि जो हमारा टॉप व्यू है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, फ्रंट व्यू के नीचे बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक सिंपल छोटा सा लाइन, एंड देन ये जो मेरा है डायग्राम उसको मूव करूंगा और यहाँ पे उसको रख दूंगा और उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं कंफर्म हूं कि भाई मेरा इसका ये जो उसका पूरा प्रोजेक्शन है, राइट। यहाँ पे देखो मैं एक टूल यूज करूंगा, यहाँ पे XLS,
एंटर वी एंटर ये बन जाएगा प्रोजेक्शन लाइंस। यहां पे क्लिक करो, यहां पे क्लिक करो तो मेन देख लो कि आउटर मोस्ट जो प्रोजेक्शन है उसके बीच में मेरा क्या आ रहा है, टॉप व्यू आ रहा है। ठीक है, ये देख लो, बस उतना ही होना चाहिए क्योंकि यही रूल है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ड्राइंग का, कि फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे क्या आना चाहिए, हमारा टॉप व्यू आना चाहिए। ठीक है, राइट। अब फिर क्या करना है, अब मुझे ये वाला बनाना पड़ेगा, चलो इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल का साइज कितना है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, ये रेक्टेंगल देखो यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल है कितना है, ये यहां से ये कितना हो जाएगा 48, और थिकनेस कितना है उसका 15, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 48 और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब तुम यहाँ पे नोट करोगे, यहाँ पे भी नोट कर सकते हो कि ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी सीओ एंटर, यहां से लिया और उसको नीचे नीचे लेके आ गया मैं। ठीक है, राइट, कैसे भी कर सकते हैं। फिर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल आ दिस इज 48 बाय 15, क्लिक। अब मैं इसको मूव करूंगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैच। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो क्या एक हिडन आ रहा है रेक्टेंगल, वो कैसे रहेगा, उसका डायमेंशन कितना रहेगा चेक करो, ये डायमेंशन कितना होगा, 24 बाय 15 का होगा, राइट, कितना होगा ये 24, यहाँ से ये कितना 24 बाय 15। तो मैं क्या करूंगा, फिर से रेक्टेंगल बनाऊंगा और इसका डायमेंशन कितना रहेगा, 24 बाय 15, बन गया। सिलेक्ट, मूव, इसका जो सेंटर मिड पॉइंट इसके साथ मैच हो जाएगा। अब मैं मैच प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये हिडन इसको चला जाएगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये छोटा हो गया। ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल कहां पर है, यहां से ये डिस्टेंस कितना 24, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना 24 दिया है, 24, और हम मान के चल रहे हैं कि यहां से भी ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो लेकिन ये सेंटर देखो, ये सेंटर और ये सेंटर दोनों मैच हो रहा है, सॉरी सेंटर लाइन मैच होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से कॉपी करेंगे, देखो हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्या करना है, कॉपी करना है, क्या करना है, मैक्सिमम कॉपी कमांड यूज करना है। अब मुझे मालूम है कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना 24, अब मुझे यहां से ऊपर का डिस्टेंस कितना चाहिए, 24 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक एक लाइन बना दूंगा यहाँ पे, एक रैंडम लाइन बना दूंगा, फिर मैं उसको मूव कर दूंगा, मूव बाय 24। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब मैं ये सर्कल कमांड यूज करके इसका डायमीटर कितना है, 24 दे दूंगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे, ये मेरा सेंटर की एज पर रूल, जिधर भी तुमको सर्कल नजर आया वहां पे दो सेंटर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, दो सेंटर। तो मैं इसको ही खींच लेता हूं आगे, मैच प्रॉपर्टी करूंगा और बोलूंगा इसका प्रॉपर्टी इसको दे दो, दैट्स इट। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी इसको दे दिया हमने, ओके। इसके बाद फिर यहां पे आ जाओ, ये क्या चीज है, ये भी एक रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन कितना रहेगा, यहां से ये 16 और फिर यहां से 64, तो फिर से रेक्टेंगल डायमेंशन क्या रहेगा, 16 बाय 64। यहाँ पे ये एग्जैक्टली नीचे इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला इसका प्रोजेक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, XLV इस लाइन का प्रोजेक्शन क्लिक करो। अब मैं ये पूरा उठाऊंगा, मूव करूंगा, ये कॉर्नर यहां पे आके मैच हो जाएगा और उसको क्या करो, डिलीट कर दो, हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला मुझे बनाना है, इसका डायमेंशन कितना है, 15 बाई 48। फिर से रेक्टेंगल, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल सर्कल ट्रीम वही बन रहा है। ठीक है, ये कितना है, 15 बाई 48, पकड़ो उसको यहाँ पे, पकड़ो और यहाँ कॉर्नर के साथ मैच कर दो, राइट। उसके बाद ये सेंटर लाइन बनेगा, सेंटर लाइन कहाँ बनेगा, यहाँ से सेंटर मतलब ये कितना 24 डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। कैसे करेंगे उसको, मैं एक लाइन बना दूंगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको मूव कर दूंगा, मूव नीचे बाय 24। अब मैं जा रहा हूँ मैच प्रॉपर्टी, सेंटर लाइन ऑलरेडी है मेरे पास, कर दो उसको सेंटर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसका डायमेंशन कितना रहेगा, 15 बाय आई गेस 15 बाय 27 रहेगा, 15 बाय 27।
तो फिर से रेक्टेंगल कमांड 15 by 27 रहेगा, पकड़ो उसको, मूव इसका मिड पॉइंट और यहाँ पे मैच, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैच प्रॉपर्टी ये हिडन इसको दे दो, दैट्स इट, बन गया ऑलमोस्ट। अब थोड़ा सा ठीक से देख लेना, थोड़ा सा उसको मूव करके, थोड़ा छोटा करना तो थोड़ा छोटा कर दो उसको, ताकि एस्थेटिकली वो अच्छा दिखे, राइट। तो क्योंकि जैसे तुम उसको अच्छे से बनाओगे, मार्क्स हमको उतने ही ज्यादा मिलने वाले। तो ये हमारा टॉप व्यू रेडी हो गया, टॉप व्यू रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये साइड व्यू चाहिए। देखो साइड व्यू बहुत ईजी है। तो साइड व्यू कैसे करोगे, अभी ये साइड व्यू है, लेकिन साइड व्यू का रूल क्या है। अब देखो एक्स एल एंटर एच एंटर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो मेरा साइड व्यू है वो ये दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो कि जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो मुझे ये नजर आएगा, राइट। इसका ये कितना है, यहाँ पे से ये 64 और ये कितना है 15। तो 64 by 15 देखो मैं बना देता हूँ, मालूम पड़ जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में किधर ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है 64 by 15 बन गया। इसको मूव करो और इसको यहाँ पे रख दो। अब हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है ये कितना रहेगा, चेक करो उसको कैसे बनाओगे उसको। ये डिस्टेंस तो मेरा कितना है 15 है, ये डिस्टेंस कितना है 15 है, और ये हाइट कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा 64 minus 15 कितना है 64, ये कितना है 64 राइट, माइनस 15 तो ये 49। तो एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, RECT रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की तरह बना दो, ये क्या होगा 15 by 49। सिलेक्ट, मूव, ये कॉर्नर यहाँ पे मैच हो जाएगा, एंड देन ट्रिम कमांड 2 times एंटर, इसको उड़ा दो, राइट। अब ये सेंटर बनाओ, ये सेंटर कहाँ पे लोकेट करोगे, यहां से ये कितना रहेगा 24 रहेगा, राइट। इस सरफेस से यहाँ पे 24। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा एक यहां से, और इसको मैं मूव कर दूंगा by 24, और ऊपर से ये नीचे कितना रहेगा, ये भी 24 रहेगा। तो यहां से मैं एक लाइन बनाऊंगा और इसको मूव करूंगा नीचे by 24 एंटर। अब मुझे क्या मिल गया, ये सेंटर दिख रहा है, सेंटर पॉइंट, और ये इसका ये सेंटर पॉइंट मुझको मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सर्कल बना दूंगा ऑफ डायमीटर 27। तो सर्कल क्या है, सी एंटर, ये सेंटर, राइट क्लिक, डायमीटर 27, ठीक है। क्या हो जाएगा 27 बना दिया हम लोगों ने, ओके। उसके बाद एक और सेमी सर्कल बनेगा, राइट, सेमी सर्कल बनेगा और इसका रेडियस कितना है 24। तो मैं क्या करूंगा, फिर से सर्कल लूंगा मैं, और यहाँ पे ये सेंटर है इसका, इसका रेडियस कितना है 24, सो R24, ठीक है R24। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड यूज करूंगा, ये निकाल दूंगा, ये भी निकल जाएगा, ये ट्रिम नहीं होगा, तो जो ट्रिम नहीं होगा उसको सिलेक्ट करो और डिलीट करो, राइट। अब लाइन कमांड से मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये क्या होना चाहिए, एक सेंटर लाइन होना चाहिए, नहीं देखिए इसका साइज थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का रूल, जिधर भी तुमको सर्कल नजर आए तो वहां पे क्या करो, सेंटर लाइन बना दो। तो अब मैं मैश प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ का इसको और इसको मैंने सेंटर लाइन बना दिया, ठीक है। फिर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक हिडन लाइन है, यहाँ पे ये हिडन, ये दिख रहा है सरफेस हिडन है, राइट। अब मैं देखो मैं कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ऑटोकैड कैसे यूज करना मैं वही बताऊंगा, राइट, कि ये हिडन क्यों है, क्यों डार्क नहीं है, मैं वो सब डिस्कस नहीं करने वाला। तो मेरा फर्स्ट चीज की लाइन कमांड से मैं पहले ये लाइन एक बना दूंगा और मैश प्रॉपर्टी करके ये प्रॉपर्टी इसको दे दूंगा, तो हो गया हिडन, ठीक है। अब दूसरा, लेट से मैं पहले ये बना बना देता हूं, ये वाला स्लॉट, ये कौन सा स्लॉट है, ये वाला स्लॉट है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है
24, और 24 के यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये रेक्टेंगुलर स्लॉट बनेगा जिसका डायमेंशन कितना रहेगा, 24 बाय 15। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर मैं इसको मूव कर दूंगा बाय ए डिस्टेंस ऑफ 24। ठीक है, ये क्या बनने जा रहा है, ये सेंटर लाइन बनने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि ज्यादा खराब ना दिखे। फिर मैच प्रॉपर्टीज, फिर यहां से उसको इसको मैच प्रॉपर्टी दे दो। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, ये रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ जिसका डायमेंशन कितना रहेगा, 24, यहां से 24 बाय 15। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा, कितना रहेगा, 24 बाय 15। राइट, पकड़ो, मूव इसका सेंटर मिड पॉइंट यहाँ पे मैच, देन मैच प्रॉपर्टी, ये हिडन लाइन इसको दे दो, दैट्स इट। राइट, अभी ये एक सरफेस है, देखो यहां पे दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, हिडन लाइन, ये एक्चुअली किसका, ये जो हमारा सरफेस है ना, ये सरफेस जो दिख नहीं रहा है इसको बनाया हम लोगों ने। तो इसको कैसे कर सकते हो तुम लोग, एक्स एल एंटर, एच एंटर, इसको क्लिक करो, उसको क्या मिल गया, प्रोजेक्शन। देन एक लाइन बना दो यहाँ पे, उसी प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर एक लाइन बना दो यहाँ पे, एंड देन इस प्रोजेक्शन लाइन को उड़ा दो, तो तुमको यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, और फिर उसको मैश प्रॉपर्टी यूज करके उसको हिडन कर दो। ठीक है, राइट, अब लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा मेरा ये जो एक हिडन दिखा रहा है मुझे, ये कौन सा है, ये वाला मेरा सर्कुलर स्लॉट है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना रहेगा, 15 बाय 24, 15 बाय 24। तो ये सेंटर तो मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो मैं अभी क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका डायमेंशन क्या रहेगा, 15 बाय 24। मूव इसका, ये इधर मैच हो जाएगा, राइट, यहाँ पे मैच हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैच प्रॉपर्टी यूज करके ये हिडन इसको हो जाएगा, राइट, ऑलमोस्ट डन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मुझे ये हिडन लाइन करना है, ये छोटा सा आर्क को हिडन और ये छोटा सा आर्क को हिडन। तो इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम ये पार्ट को, ट्रिम ये पार्ट, ट्रिम नहीं हो रहा है सिलेक्ट करो, डिलीट। राइट, अब मैं फिर से एक सर्कल बनाऊंगा और इसका ये सेंटर होगा और यहां से पास होगा सर्कल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैच प्रॉपर्टी करूंगा, मैच प्रॉपर्टी इसको दे दूंगा हिडन, एंड देन ट्रिम करके ये जो भी नहीं है मैं उसको क्या करूंगा, ट्रिम कर दूंगा, हो गया सिंपल। अच्छा, अब सेम मुझे इसको भी करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ट्रिम करूंगा यहाँ पे, इसको उड़ा दो, फिर एक सर्कल ऑफ सेम डायमीटर, राइट, फिर मैच प्रॉपर्टी हिडन इसको, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, समझ में, ओके, ये हमारा बेसिक सब चीज हो गया। अब उसको क्या करना है, फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनाओ, एक्स एक्स वाई वाई, दैट्स इट। ठीक है, अब फिर तुम क्या करोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायमेंशन दे देंगे, तो क्या करेंगे, डी आई एम एस टी वाई एल, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई, एंड देन सबसे पहला टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट हाइट मेक इट लेट्स से 3.5, एरो साइज लेट्स से 2.5, एरो साइज डायमेंशन लाइन 2.5, ये भी कितना 2.5, ओके, इसको ओके okay बोलो। अच्छा, वो मॉडिफाई में एक बार देख लो, प्राइमरी यूनिट्स क्या है, ओके 0.2 है, ओके, एंड सेट करंट क्लोज, तुम्हारा बेसिक सेटिंग जो है डायमेंशन के लिए वो हो चुका है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे डायमेंशन देना, तो डायमेंशन कैसे दोगे, डी आई एम ए एल आई, डिम अलाइन। तो हर व्यू में कोशिश करो कि हम मिनिमम तीन तीन डायमेंशन दे और मैक्सिमम चार हर व्यू में। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले दूंगा यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, ओ आई एम सॉरी, ये क्या है, और डी आई एम डिम लीनियर देना, डिम लीनियर, डायमेंशन लीनियर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, तो ये कितना हो गया, 40। ठीक है, कितना हो गया, 40।
राइट। अभी फिर से तुमको डिम लीनियर करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ क्या करो, एंटर की दबाओ या फिर स्पेस बार दबाओ। तुम जैसे स्पेस बार दबाओगे ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा हमारा डायमेंशन कमांड। तो यहाँ पे एक क्लिक, यहाँ पे एक क्लिक, तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, फिर से मैं स्पेस बार दबा दूंगा, तो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये 1 और ये 1, डन। फिर से स्पेस बार, तो लेट से अगर मुझे अभी इसका सेंटर स्पेसिफाई करना है तो ये और ये कितना हो जाएगा, सेंटर 40। राइट, इधर भी कुछ करना है तो ये हाइट 15। ओके, ये टोटल हाइट करना है तो कर सकते हो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना 64। ओके, तो हर व्यू में 3 से 4 मैक्सिमम दे देना। तो डिम लीनियर यूज करो, अलाइन नहीं। ओके, एंड देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर है और रेडियस मुझे बताना पड़ेगा, तो DIM DIA एंटर, डायमीटर सर्कल के ऊपर क्लिक करो और इसको यहाँ पे लेके जाओ और यहाँ पे रख दो। अच्छा, ये देखो, ये ऐसा स्टाइल नहीं चाहिए हमको, ऐसा अलाइन नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, DIM स्टाइल में चला जाओ, स्टाइल में जाओ, मॉडिफाई में जाओ एंड एरोज में, शायद से टेक्स्ट में, टेक्स्ट में, ठीक है, टेक्स्ट में जाओ एंड कीप इट हॉरिजॉन्टल, कीप इट हॉरिजॉन्टली ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली। ओके, सेट करंट, क्लोज। देखो अभी कैसा हो गया, ये हो गया राइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओके, देन मुझे क्या करना है, मुझे लेट से मुझे इसको भी सर्कल देना है, DIM DIM डाया, इसको क्लिक करो और इसको बाहर लेके जाओ, अच्छी तरह से प्लेस करो बाहर पे। अब मुझे यहाँ पे रेडियस देना है, यहाँ का रेडियस, तो DIM RAD डिम रेडियस, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे रेडियस बता देगा वो, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा एक और चीज शायद मैंने मिस किया है यहाँ पे, ये जो है ना सेमी सर्कल, एक आर्क है ना यहाँ पे, ये आर्क मुझे बनाना पड़ेगा, ये कितना है 424 का है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काफी सिंपल है, मैं एक सर्कल बनाऊंगा फिर से, ठीक है, और यहां से इसको मैं एक आर्क बना दूंगा, ट्रिम कमांड यूज करूंगा और उसको उड़ा दूंगा, दैट्स इट, ये भी उड़ जाए, ये भी उड़ जाए, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायमेंशंस देंगे और थोड़ा सा उसको ठीक से अगर मुझे रखना है तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे मूव कर दूंगा, पूरा सिलेक्ट करो, थोड़ा सा नीचे मूव कर रहा हूं मैं, क्या हो गया भाई, पूरा सिलेक्ट करो, मूव थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सर, ये लफड़ा कर रहा है, बुढ़ाओ उसको, DIM लिनियर, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस कितना 48, जो भी है देना है दे दो एनीवेज। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूं साइड में, ताकि ये ज्यादा चिपक ना जाए हमारे रेफरेंस लाइन को, और इसको भी, अच्छा इसको देखो, अगर मैं इसको भी थोड़ा मूव करूंगा ऊपर, मूव किया, अब देखो अगर मैं इसको मूव कर दिया तो ये हमारा जो रूल के खिलाफ हो गया, राइट, क्या है कि ये फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट उसके सामने क्या होना चाहिए, साइड व्यू होना चाहिए। तो एक बार देख लो, XL Enter H Enter, तो इसको भी क्या करोगे, पूरा सिलेक्ट करोगे, मूव, ये और इसके साथ मैच होना चाहिए, ये जो रूल्स है ना हमको वो फॉलो करना है, राइट, ठीक है, अब उसको कर दो डिलीट, ठीक है, राइट। अगर इसको यहां पे नहीं दिखाना है तो उसको मत दिखाओ, रखना है तो रखो, जो भी है सब टू यू, ठीक है। मैं इसको भी अगर यहां से उड़ा दूं, अगर मुझे डिम डिम लिनियर देना है तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, सो दिस इज माय 64, दैट्स इट, मेन काम हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझको MTM टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ पे लिखोगे फ्रंट व्यू, सेलेक्ट करो, मेक इट 3, एंटर, 3 से अगर नहीं हो रहा है तो मेक इट 5, एंटर, बोल्ड करो, यहाँ पे जो भी है तुम कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, ठीक है, टाइप
टाइम्स रोमन ले लिया मैंने यहाँ पे, बोल्ड कर दिया उसको, इसको इंक्लाइन इटैलिक कर दिया एंड देन अंडरलाइन मार दिया एंड से ओके। ठीक है, उसको थोड़ा सा ठीक से प्लेस करो, थोड़ा नीचे ले लो उसको। ठीक है, फ्रंट व्यू उसको कॉपी करो, कॉपी करके उसको नीचे ले लो, तो ये बन जाएगा मेरा टॉप व्यू। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिखो टॉप, TOP, टॉप व्यू, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाओ, कॉपी करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ओके। ठीक है, अब यही सेम चीज को कॉपी करो फिर से CO और नीचे लेके आ जाओ। यहाँ पे ये सब जो तुमने किया है, बोल्ड नहीं, इटैलिक नहीं, अंडरलाइन नहीं, सबको उड़ाओ। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा नाम, रोल नंबर, उसके बाद फिर तुम्हारा डिवीजन, क्लास, जो भी है। ठीक है, एंड तुम्हारा कॉलेज का नाम अगर देना, जो भी तुमको देना है दे दो एंड देन से ओके। ठीक है, राइट, ऑलमोस्ट हमारा ये काम खत्म हो गया। उसको मैं थोड़ा सा क्लिक करूंगा, उसको सामने लेके आऊंगा नजदीक, दैट्स इट। ठीक है, राइट, एक लास्ट चीज बचा है कि यहां पे इस रेफरेंस का नाम दे देना, इसको फिर से कॉपी करो। यहां पे ये चीज क्या है, एक्स, और ये अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, इटैलिक नहीं होना चाहिए, ओके। फॉर टाइम बिंग मैं क्या करूंगा, ऑर्थो ऑफ कर दूंगा, राइट। तो ये यहां पे मैंने एक्स लगा दिया, इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई एंड देन यहाँ पे वाई, विल चेंज इट, विल मेक इट वाई, कैपिटल वाई, ओके। इधर भी कैपिटल वाई, ओके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट, पूरे जो भी देना चाहिए था हमने दे दिया, विद डायमेंशंस और नाम, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, रेफरेंस को नाम दे दिया, हमने ये भी चेक कर लिया कि फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे टॉप व्यू और उसके एग्जैक्ट सामने लेफ्ट हैंड साइड व्यू, डायमेंशंस दे दिए, एरो वगैरह सब कुछ सही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे नाम, रोल नंबर, डिवीजन, कॉलेज सब कुछ आ जाएगा और फिर उसका तुम, अच्छा एक और चीज़ है लास्ट की, एक रेक्टेंगल ले लो और जस्ट एकदम क्लोज यहाँ पे एक क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बना लोगे, इसको सिलेक्ट करो, Ctrl 1 प्रेस करो और फिर यहाँ पे जाना, ग्लोबल विड्थ पे जाना और यहाँ पे 2 एंटर दबा देना एंड क्लोज। देखो इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा और फिर उसका प्रिंट ले लो और मुझे लगता नहीं कि फिर तुम्हारा कहाँ पे मार्क्स कट होना चाहिए, अगर जब तक यहाँ पे मतलब टेक्निकली कुछ गलत ना हो, मतलब तुम्हारा व्यूज में कुछ गलती ना निकले, तुमको ऑटोकैड में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके, क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि मोस्ट ऑफ दी जो भी हमारा ऑपरेशन था सब क्या था, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, कॉपी, मूव एंड ट्रिम में काम हो रहा है। हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम रेक्टेंगल को ट्रिम कर रहे हैं, सर्कल को ट्रिम कर रहे हैं, उसके बाद मैच प्रॉपर्टी, कॉपी, राइट, उसके बाद वो दूसरा कौन सा है, लाइन टाइप में जाकर लोड करो, फिर डायमेंशन, यही है जस्ट गेम के 10 12 15 ही कमांड है जो हम लोग डेली मोस्टली यूज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट जो था वो हो गया यहाँ पे, ओके, थैंक यू।